ये एक्टिवा 4G गाड़ी में हम LED लाइट लगाए, ये कुछ ब्राइटनेस आप देख सकते हैं, आपके सामने सैंपल है तो देख सकते हैं दोस्तों, ये यही एक्टिवा 4G है जिसके अंदर हम ये LED लाइट लगाए, ये कुछ इस तरह दिख रहा, ब्राइटनेस तो ये एक नंबर दिख रहा, देख सकते हैं आप कितना प्यारा दिख रहा, ये नाइट का व्यू है। हेलो दोस्तों, दिस इज़ नवीद इलेक्ट्रिशियन। आज के ये वीडियो में हमारे पास एक LED का हेडलाइट है, एक्टिवा 4G है, तो इसमें क्या है AC/DC का कलेक्शन करने वाले हम। ये देखो, ये हेडलाइट का बटन है जो कि ये गाड़ियों में नहीं आता, तो ये हम अलग से लगाए। इस वाले वीडियो में मैं बताया था कैसा लगाना, अगर आप नहीं देखे तो ये वीडियो ज़रूर देखो, इसका लिंक मैं नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये देखो LED बल्ब है, ये लोकल मार्केट में लिया मैं, 300 रुपये में मिला, अगर ऑनलाइन पे लेंगे तो हमको ये 500 550 तक मिल सकता, अगर लोकल मार्केट में ढूंढ के अगर मिल जा रहा तो अच्छी बात है, कम से कम में मिल जाता, या फिर ऑनलाइन में थोड़ा महंगे रहते ये चीज़ा। हम क्या है, ये बल्ब लगाएंगे, तो ये बल्ब क्या हम अगर इसको डायरेक्ट लगाएंगे ना कलेक्शन, ये मतलब ये लाइट निकाल के अगर इसको डायरेक्ट हम लगाएंगे तो ये नहीं आता, तो इसको क्या करना पड़ता बोले तो DC कनेक्शन देना, मतलब जिसको AC/DC कलेक्शन बोलते हैं। बहुत से कमेंट भी आए थे मेरे वीडियो में, भाई AC/DC का कलेक्शन बताओ बोल के, तो पहले हमको ये डूम खोलना पड़ता, तो खोल लेंगे। अभी ये देखो, ये हेडलाइट है जो गाड़ी के साथ आया वही, तो इसमें हम कुछ नहीं करे, मतलब इसको क्या अलग से हम हेडलाइट का बटन लगाए थे, इसको कुछ काटना नहीं पड़ता, मतलब इसको कोई काटने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको क्या करना देखो, पहले अब ये तो खोल लिए ना, तो इसका रबर निकाल लो, ऐसा नीचे अंदर दबाओ और इधर बाहर की तरफ खींचो, निकल जाता। उसके बाद ये देखो, ये बल्ब को निकाल दो, ओके, ये बल्ब निकाल के रख देंगे बाजू। अभी हमको ये लाइट लगाना है, देखो तो देख सकते हैं बिल्कुल जैसा निकाले वैसा, ये लॉक को ऊपर उठाओ और ये इसमें बिठा दो, ओके। ये फैन है, थोड़ा बैठने के लिए दिक्कत करता है, तो इसको क्या करना, थोड़ा ऐसा दबा दो, बैठ जाता ऑटो, बैठने के बाद सेम रहता लॉक प्रोसेस, कोई अलग से फिटिंग नहीं, बैठ गया एकदम, ओके ना। क्या करेंगे हम, ये जो होल्डर है, ये गाड़ी के साथ का होल्डर, गाड़ी के साथ जो आया, तो इसको हमको काटने की ज़रूरत नहीं है कोई भी, इसको क्या करो बस, ये देखो ये होल्डर बैठता, मतलब ये बल्ब की तरह सेम रहता। इसमें क्या है, ये तीन पिनों में ये तीन पिन जो है ना बिठा दो, तो देख सकते हैं ये बैठ जाता, तीन पिन ऐसा कुछ देखो, देख सकते दिख रहा ना आपको, बैठ गया। इसमें कोई अलग से मैं वायर काटा गिटा नहीं, मतलब कटिंग विटिंग कुछ नहीं करा। मत अब एक बात क्या, अगर आप ये जब बल्ब बिठा दिए ना, तो आपको ये रबर नहीं बैठता, ओके, तो इसको क्या संभाल के रख लेना बाजू, अगली बार कभी अगर मान लो ये लाइट ख़राब हो गया, आपको अपनी पुरानी गाड़ी का पुराना लाइट डालना है, तो आपको फिर से ये इस्तेमाल कर सकते हैं, क्यों तो बाहर नहीं मिलता है, देख सकते निकल गया। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे ये बटन है, इसको क्या करो, पहले ये एक क्लिप रहता कुछ ऐसा, ये देखो ऐसा दबा के, ऐसा दबा दो इसको पहले, ये जो दिख रहा है ना पिन, इसको दबा के खींच लो बाहर, बटन को थोड़ी देर के लिए साइड में रख दो, अभी इम्पोर्टेंट कलेक्शन है, अभी आपको बताता हूँ मैं, तो यहाँ से ये खींच लिए बाहर, खींच लो बाहर, खींचने के बाद अभी देखो सारा काम इम्पोर्टेंट यहीं पर है, तो ये टेप आप इसका पुराना वीडियो देख लो, बटन हेडलाइट का बटन कैसा लगाना ये वाला, तो आपको ये समझ में आ जाता, उसके बाद अगर आप ये देख लिए तो आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाता, ओके। तो अभी देखो इसमें तीन वायर है ना, ये देख सकते हैं आप, ये पिन में तीन वायर आए, तो ये जो तीन वायर आ रहे हैं, ये देखो ये रेड वाला जो वायर है ना, ये मेन है, मेन मतलब AC करंट आता है इससे, मतलब ये वायर क्या करेंगे हम, इसको यहाँ से निकाल दो, ये मैं अकेला हूँ इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा मेरे को, ओके। तो ये वायर क्या करेंगे हम, थोड़ी देर के लिए काट देंगे। ये वायर का क्या है, मतलब ये AC करंट प्रोड्यूस करता है, AC करंट आता है इसके अंदर, मतलब इंजन रेस करने से एक्सलेटर देने से करंट ज़्यादा आता है, और एक्सलेटर कम देने से कम आता, तो ये करंट से ये वाला जो लाइट है चल रहा था, तो अब ये जो LED लगाए, तो ये AC करंट के ऊपर नहीं चलता है,
तो अब हम क्या करेंगे, इसको एसी को हटा देंगे, यहाँ पे डीसी करंट सप्लाई देंगे। इसको क्या करेंगे, अभी काट देंगे, क्यों बोलते, अब हम डीसी कलेक्शन दे रहे ना, तो अभी हमको एक ज़रूरत नहीं है इसलिए। ओके, अभी देख सकते हैं ये दो वायर है बटन के, ये इसमें हम मेन दे रहे, तो ये मेन जाके क्या था, वहाँ रुका हुआ रहता, अब जब हम बटन ऑन करेंगे तो फिर घूम के इसमें सप्लाई आता। तो अब हम यहाँ से इसमें से निकाले ये वायर, तो इसमें से हटा दे के इसको हम क्या करने वाले हैं, डीसी करंट में देने हैं। तो डीसी करंट ये वायरों में नहीं है कहीं भी, तो अब हमको क्या करना है, ये जो सामने का कवर है ना, ये जो सामने का मतलब जिसके ऊपर नंबर प्लेट फिट है, वो कवर खोलना पड़ता, क्यों बोले। अभी यहाँ देख सकते हैं आप, ये हमारा चाबी गड्ढा है, ये बैटरी है, तो हमको क्या, ये बैटरी का ये देखो देखो ये मेन वायर, तो हमको इससे करंट लेना नहीं है। अगर हम इससे लेंगे ना, तो चाबी चाहे बंद रहो चालू रहो, लाइट हमेशा चालू रहे, तो हमको क्या है, ये इसमें से लेना, ये चाबी गड्ढा है, तो इसमें से हमको मेन वायर लेना। ये ऊपर वाला जो वायर है आपको दिख रहा, ये मेन है, मतलब चाबी से, ये बैटरी से डायरेक्ट कलेक्शन यहाँ पे आता करंट, और जब हम चाबी ऑन करेंगे तो ये नीचे वाले इसमें से करंट बाहर की तरफ सप्लाई होता, मतलब चाबी से इग्निशन में सप्लाई होता। तो इसको क्या करेंगे, हम यहाँ से कलेक्शन देना है, तो ये देखो इसको कुछ ऐसा अंगूठे से ये दबा देना, ये लॉक रहता है, लॉक दबा के इसको पहले निकाल लो बाहर, निकाल के क्या करो, अब ये देखो ये लॉक है ना, ये वाला, तो ये नीचे का ये लॉक है, तो उसके एकदम नीचे वाला वायर इग्निशन का है, तो इसको ऐसा काट के देखो, मतलब ऐड करके फिर वापस से लगा दो। ये देखो लगा दिए। ओके, अब इसमें क्या है, ये वायर मतलब हमको मेन मिल गया इससे। ओके, तो ये वायर को क्या करेंगे, हम यहीं से ऊपर ले लेंगे, ये मेन वायर हो गया अभी। ओके, अगर हम ये रेड वायर में दे रहे तो ये एसी करंट पे चल जाएगा, अगर ये ब्लू वायर में दे रहे तो ये डीसी करंट पे चला, तो अब हम इसको डीसी पे देने वाले हैं। ओके, तो ये देखो मैं जॉइंट कर दिया वायर को, मैं अकेला हूँ, कैमरा पकड़ने मुश्किल हो रहा है, इसलिए थोड़ा ये नहीं बता सका मैं, उसके लिए आई एम सॉरी। तो ये देख सकते हैं आप, ये हो गया एसी का, और ये हो गया ये ब्लू वायर डीसी का, और ये मेन, आप ये मेन में अगर एसी देंगे तो एसी पे चलेगा, डीसी देंगे तो डीसी पे चलेंगे। ओके, ये बैठ गया बटन, ये हो गया अपर डिपर। ओके, फिर इसको क्या जैसा खोले थे वैसे ही लगा देंगे, कुछ नट बोल्ट नहीं रहता इसमें, बस ऐसा दबा दो वो खुद ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है। मतलब एसी पे चलने वाला बल्ब निकाल दिया, हमको होल्डर में कौन सा है, डीसी बल्ब है, अभी ऑन किया मैं, देखो फैन घूम रहा, अभी बंद, ऑन, ये ऑफ, तो यही बटन हो गया उसके लिए। ओके, इस पे ऑन होता, इसी पे ऑफ होता, बिफोर आफ्टर देख सकते हैं आप कितना, मतलब ब्राइट है, अच्छा है, अपर डिपर। ओके, अब इसको फिट करूँगा मैं, देख लो ये बंद कर दिया, ये रबर क्या है, आप अब खोल रहे ना तो संभाल के रखना, क्यों बोले तो अगर जब हम ये लाइट लगाए तो ये काम आता सब। ओके, तो अभी आपको ये तो मान लूँगा ना कि कैसा खोले आप, बिल्कुल वैसा ही लगा देना है। ओके, अब यहाँ देखो यहाँ रबर नहीं आता, इसको ऐसा ही छोड़ देना। ओके, तो हम जैसा खोले वैसा लगा दिया मैं पूरा प्रॉपरली, मतलब ये हम डूम खोले थे ये बल्ब बदलने के लिए, और ये चाबी का मतलब चाबी इग्निशन से करंट लेने के लिए ये कैप खोले थे, अभी दोनों भी लगा दिया मैं। ओके, देखो अभी ऑन, देख सकते हैं आप कितना एक ना, मतलब एक अच्छा आ रहा, मतलब बहुत बढ़िया दिख रहा है देखने में। ओके ना, तो इसको अपर डिपर करेंगे हम अभी, ये देखो फुल, और ये डिम, अभी ये देखो डिम है, मतलब डिपर करीब वाला पॉइंट है और ये दूर वाला पॉइंट। ओके ना, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, ये एक्टिवा 4G में हम ये लाइट लगाए थे। अगर आपके पास कोई और गाड़ी है तो आप नीचे कमेंट में नाम लिख के बताओ, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाकर आपको दूंगा। और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो, अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करके नीचे कमेंट में बताओ क्यों पसंद नहीं आया, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में इसका इम्प्रूवमेंट कर सके। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद। 15 तारीख को तू पहचानेगा कि डर क्या होता है, 20 तारीख को पब्लिक को पता चलेगा कि तेरा टक्कर लेने वाला कोई मर्द आया है, 25 तारीख को लोगों के मन से तेरा खौफ खत्म हो जाएगा, और 1 तारीख को तू फिनिश, तू है कौन? मास। घर से निकलते वक्त फेस मास्क का उपयोग करना ना भूलें।